सेवन अमेजिंग स्ट्रेटजीज दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप ऑर्गेनिकली ग्रोथ ला सकते हो, कैसे आप अपने फॉलोवर्स बढ़ा सकते हो। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इंस्टाग्राम को अपने बिजनेस के लिए या अपने खुद के लिए यूज करना चाहते हो तो पूरा देखिएगा। तो मैं हितेश गुप्ता ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल लेवल पे सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे 1000 के अराउंड वीडियोज हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल में हम लगभग 1000 और वीडियोज, 30-35 नई सीरीज और कोर्सेज लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को इनडेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तुरंत कर लो ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम आपको 7 ऐसी स्ट्रेटजीज बताएंगे जो आपके इंस्टाग्राम को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगी। और दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को मैं 100% जेन्युइन वेज बताऊंगा, वो तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने बिजनेस को या अपने आप को इंस्टाग्राम की मदद से एक नेक्स्ट लेवल पे या ग्रोथ कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम में आपको अपनी प्रोफाइल सर्चेबल बनानी है, आपको अपना बायो ऑप्टिमाइज करना है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको अपने डिस्प्ले नेम को आपको रेलिवेंट रखना होगा अपने नीश बिजनेस से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, और आप अपने यूजर नेम को अट्रैक्टिव बनाइए एंड यूनिक बनाइए। तीसरा, आप ऑप्टिमाइज कीजिए अपने बायो को विद हैशटैग्स, कीवर्ड्स और लिंक आपके बायो में होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर एक सैंपल है एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल का। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कि आप पोस्ट करें क्वालिटी कंटेंट बट कंसिस्टेंसी के संग। आप क्वालिटी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स हो, स्टोरीज हो, वीडियोस हो, लाइव आप आए या लाइव वीडियोस कह सकते हो, बट दोस्तों क्वालिटी होनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर और कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। कि ऐसे नहीं कि आपने एक दिन करा, दो दिन नहीं करा, फिर चार दिन करा, फिर दो दिन रहने दिया। कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, बिकॉज मार्केट में जो चल रहा है अगर आप उससे बेहतर नहीं दोगे तो लोग दूसरों को देखेंगे, आपको नहीं देखेंगे। आपको ग्रेट कैप्शंस लिखने होंगे ताकि वो एक हुक की तरह काम करें और आपके ऑडियंस को जोड़ें आपके संग। तीसरा, आपको दोस्तों कंटेंट प्रोडक्शन में और अलग अलग तरीके के कंटेंट आपको ट्राई करने होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम है तो वहाँ पर आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा या कुछ इन्वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों टाइम भी इन्वेस्ट होता है, और अगर आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करना है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ सकता है अगर ज़रूरत आपको लगती है तो। और अलग अलग कंटेंट टाइप को ट्राई करें ताकि लोग को जब वो वैल्यू मिलेगी आप लोगों से, वो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन और यूजफुल आपके कंटेंट रहेगा तो ज़रूर आपके संग जुड़ेंगे और आपके संग कनेक्टेड रहेंगे। दोस्तों थर्ड है ऑप्शन, वो है रिसर्च एंड यूज रेलिवेंट ट्रेंडी एंड न्यू हैशटैग्स। तो हमेशा आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड, अपने नीश से रिलेटेड रिसर्च करें। आप रेलिवेंट हैशटैग्स ढूंढें या खुद क्रिएट करें अपने नए, और जो ट्रेंडी हैशटैग्स हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रेलिवेंट है उनको आप यूज करें। फोर्थ दोस्तों जो तरीका है वो है पुट योरसेल्फ आउट देयर। इसका मतलब है कि आपको अपने ऑडियंस और फॉलोवर्स के संग एंगेज होना है। आप अपने जो ऑडियंस हैं या आपके जो यूजर्स हैं, कह लीजिए आपके जो कस्टमर्स हैं, वो लोग जो हैशटैग्स यूज करते हैं, तो कई बार आप उनके हैशटैग्स, आप उनके उनको टैग कर सकते हो, उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हो,
इवन वो कुछ जो हैशटैग यूज कर करते हैं उन हैशटैग को आप यूज कर सकते हो। तो ऐसी चीजें अगर आप करोगे तो आपके कस्टमर्स के संग अगर आप एंगेज रहोगे तो ये आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब दोस्तों अगला है कि आप डेली एक टाइम निकालिए, आप अकॉर्डिंग टू योर आपका ऑडियंस कितना है, उस पर लोगों का कितना एंगेजमेंट है, कितने लोग आपके संग इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और उस टाइम में आप रिप्लाई कीजिए अपने ऑडियंस के क्वेश्चंस को, उनकी प्रॉब्लम्स को, ये मस्ट है। और दोस्तों अगला है इसके अंदर ही कि आप टाइम टू टाइम कुछ कॉन्टेस्ट, क्विजेज या प्रमोशनल ऐसी स्कीम्स लाइए ताकि लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें, आपके संग ज्वाइन। अब दोस्तों फिफ्थ जो स्ट्रेटजी है वो है पुश टू अनदर सोशल फीड और क्रॉस प्रमोट। इसका मतलब होता है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, उस पर आपका कंटेंट है, तो आपको सिर्फ वहीं तक नहीं सीमित रहना, आप उस कंटेंट को आप दूसरे सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हो, वहां से भी लोगों को पता लगता है कि इंस्टाग्राम आपका एक अकाउंट है, हैंडल है, वहां पर लोग आपके अगर कनेक्ट होते हैं। आपने कई बार देखा होगा लोग यूट्यूब पे अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट करते हैं, दूसरे सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट करते हैं ताकि उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ें। उसके साथ साथ अगर आप अपनी वेबसाइट पे, अगर आपके पास वेबसाइट है, ठीक है, आपका अगर कोई ऑफलाइन बिजनेस है, ठीक है, तो कोई भी आपके पास जो प्रमोशनल मटेरियल है, जो पब्लिक मटेरियल है, वहां पर आप अपने इंस्टाग्राम के लिंक दीजिए, ठीक है, वहां से लोगों को पता जब लगेगा कि आप इंस्टाग्राम पे हो तो देन दे कैन सर्च यू देयर, दे कैन फॉलो यू देयर। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा आप क्रॉस प्रमोशंस करें। दोस्तों सिक्स जो तरीका है वो है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स माइक्रो एंड नैनो। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप इन्फ्लुएंसर्स जो आपके नीश या बिजनेस से रिलेटेड हैं उनके संग कोलैबोरेट करें। जरूरी नहीं कि आपको बड़े इन्फ्लुएंसर्स के संग करना है, बिकॉज उनके बजट ज़्यादा होते हैं। आप जो न्यू इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, माइक्रो या नैनो हम बोल सकते हैं, उनके संग कोलैबोरेट करें। कई बार बहुत कम अमाउंट में कोलैबोरेशन हो जाता है, कई बार बाटा सिस्टम हो जाता है, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है। तो इस तरीके के कोलैबोरेशंस करें, बिकॉज ये आपको न्यू ऑडियंस तक पहुंचाता है, आपकी ब्रांडिंग, आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो सेवंथ तरीका है वो पोस्ट एट ऑप्टिमल टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग और जो आप अपने जो ट्रैकिंग करते हो अकाउंट की, उसके बेसिस पे आप देखिए कि आपके बिजनेस के लिए क्या बेस्ट टाइम है, किस टाइम आपका ऑडियंस सबसे ज़्यादा एंगेज होता है, और उसी टाइम पर आपको अपनी जो पोस्ट है उसको लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो वो आप अपने बिजनेस और नीश के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट डेज है, परफेक्ट टाइम है जब आपको पोस्ट करना चाहिए। और दोस्तों ये सेवन स्ट्रेटजीज के साथ साथ एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं भूलनी कभी भी, वो है इंस्टाग्राम एनालिटिक्स। तो आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम एनालिटिक्स या इंस्टाग्राम इंसाइट्स होता है, जहां पर लोग क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, क्या एंगेजमेंट हो रही है, तो ये और बहुत सारा डाटा आप चेक कर सकते हो, बिकॉज वो आपको हेल्प करता है कि क्या चीज़ लोग आपकी पसंद कर रहे हैं तो आप उसको और ज़्यादा कर सकते हो, क्या लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, एंगेजमेंट किस पे ज़्यादा आ रही है, तो उससे आपको एक आइडिया मिलता है। आप अपने परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप अपनी न्यू स्ट्रेटजीज बना सकते हो जिससे कि आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिले। तो एनालिटिक्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे इस इंस्टाग्राम कोर्स के अंदर आप कैसे अपने इनसाइट्स देख सकते हो, एनालिटिक्स देख सकते हो, वो हमने सिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये इंस्टाग्राम के हमारा कंप्लीट कोर्स और सीरीज पूरा देख रहे होंगे। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, लोगों को शेयर करें। आपके कुछ सवाल हैं या कोई क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में आप उनको लिखें ताकि हम उसके ऊपर आगे चल के वीडियोस लाएं, कोर्सेज लाएं। और दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो हमसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या आप हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।